hello class 5 students okay myself neeti and today we are going to start our chapter number 3 fine our struggle for freedom already we have completed the half uh, of the lesson and today we are going to cover the topic partition of Bengal. so in the last uh, session we have studied about, about the formation of international congress the moderates the extremists okay so let's uh, study further

सो so, और यही जो टाइम था वो क्या था आफ्टर रिवोल्टीन टी सेवन यू मे सी दैट नेशनलिज्म राइज ऑफ नेशनलिज्म बढ़ता गया ओके आई टॉट यू आई टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ द नेशनलिज्म नेशनलिज्म नेशनलिज्मी कंट्री के लिए प्यार या फिर इच्छा टू सेक्रीफाइस फॉर इट कंट्री के लिए कुछ भी करना तो ये जो एक फीलिंग थी कंट्री के लिए जो हम नेशनलिज्म कहते हैं तो ये जो नेशनलिज्म बढ़ता गया एट ए ग्रेट स्पीड और इस तरीके से बंगाल ये कि एक सेंटर बन गया बिकॉज बंगाल में ही सारी चीजें जैसे कि बैटल ऑफ प्लेसी का हो येस yes, जो बंगाल के थे नवाब ओके जैसे कि मीर जाफर ने उनको चीट करके गेट दैट लेटर ये काफी देन uh, रिवोल्टीन uh, 1857 सेवन took place in bengal so all this दिस in bengal this इसलिए bengal में ये जो नेशनलिज्म ज्यादा बढ़ता गया और टू स्टॉप द राइज ऑफ नेशनलिज्म द ब्रिटिश अडॉप्टेड अ डिवाइड एंड पॉलिसी रूल बिकॉज इफ़ यू सी अगर ये डिवाइड एंड पॉलिसी का जो रूल है वाई दिस स्टॉप बिकॉज ट्राइंग टू स्टॉप इट बिकॉज वन दे केम टू ना कि राइज ऑफ़ नेशनलिज्म बढ़ता जा रहा है लोगों के मन में कंट्री के लिए जो प्यार बढ़ता जा रहा है अगर सारे जन इस तरीके से यूनाइटेड हो जाएंगे यूनाइटेड ओके यूनाइट हो जाएंगे दैन uh, उनका यहाँ पर रूल होना मुश्किल हो जाएगा एंड फॉर देट रीजन उन्होंने क्या किया उन्होंने ये नेशनलिज्म को कम करने के लिए दे हैव एडोप्टेड डिवाइड लोगों को डिवाइड करें और डिवाइड करके हम इनको इन पे रूल करेंगे तो ये पॉलिसी अडॉप्ट किया यस एंड द लास्ट पॉइंट इज द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज पार्टीशन बाय लॉर्ड कर्सन द वायसरी ऑफ इंडिया ना लेकिन ये जानना भी बहुत जरूरी है कि यस हु हैड डन उस वर्क इन दैट ऑन दैट टाइम द वायसूरी ऑफ इंडिया वायसरी मीन्स एज आई यू ऑन बिहाफ ऑफ किंग और क्वीन टू पर्सन अपॉइंटेड टू गवर्न टू एडमिनिस्टर द कंट or the place that is known as a viceroy so who was the viceroy of india at that time lord curzon and with his permission only he had decided to partition the bengal here is the lord curzon okay here finally the bengal partition on 16th october 1905

कई दूसरे स्टेट्स भी इन्वॉल्व थे जैसे कि एक तो वेस्ट बंगाल आया देन बिहार उड़ीसा आसाम और पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ कुछ छत्तीसगढ़ के पार्ट्स भी थे जो कि वेस्ट बंगाल में आते थे सो ऑल दिस वर वेस्ट बंगाल ये सारे आसाम बिहार उड़ीसा ये सारे क्या थे वेस्ट बंगाल में ही आते थे ओके नाउ यू जस्ट थिंक दैट अभी इतने सारे स्टेट्स इन्वॉल्व हैं तो इट मीन्स पहले जो वेस्ट बंगाल तो ये एरिया वाइज़ काफ़ी बड़ा था ओके एरिया वाइज काफ़ी बड़ा था अब जब एरिया वाइज है तो ऑब्वियसली यू कैन इजली कम टू नो दैट इनका पॉपुलेशन भी काफ़ी हाई होगा ये सो नो सो यहाँ पर लॉर्ड कर्सन इस तरीके से है बिकॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन ओके काफ़ी एरिया बड़ा होने के कारण अ पर्सन मीन्स एक ही अकेला जो है वाइस रिकानेबल टू एडमिनिस्टर प्रॉपर्ली ओके सो फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक अच्छा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए एक अच्छा सा गवर्न करने के लिए इट्स नेसेसरी टू पार्टीशन इन्हें पार्टीशन किया जाए ताकि प्रॉपर्ली मैं इन्हें क्या करूँगा प्रॉपरली गवर्न कर पाऊँगा ठीक से कर सक मीन्स इट विल बी हेल्प हिम टू गवर्न properly ओके सो दिस was द रीजन गिवन बाय द लॉर्ड कर्सन अभी ये होगी लॉर्ड कर्सन की बात नॉट टॉक अबाउट द नेशनलिस्ट जो हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो पार्टिसिपेंट्स थे जो नेशनलिस्ट थे उनका ये कहना था रीज़न ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगल ये सारे कुछ नहीं थे ये तो सिर्फ एक वन काइंड ऑफ उनको रीज़न मिल गया था बहाना था ओके बट टू कर्ब द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म उन्हें क्या द ब्रिटिश वॉज ट्राइंग टू स्टॉप उन्हें ये सब खत्म करना था जो नेशनलिज्म का जो एक फीलिंग आई थी ओके okay, जो इंडियंस के मन में उन्हें उनको क्या करना था उनको रोकना था ओके okay? उन्होंने ख़त्म करना था बिकॉज ऑब्वियसली और उन्होंने कैसा किया ये तो एक उनका रीज़न है उनको नेशनलिज्म कम करना था एंड द सेकेंड रीज़न द टू डिवाइड द रिलीजन हिंदूज एंड मुस्लिम ऑब्वियसली अगर यहाँ पर जो सबके मन में ये जो यूनिटी की फीलिंग थी येस yes, नेशनलिज्म ये अगर कैसे होगा जब हम रिलीजन पे ओके इफ़ यू आर गोइंग टू टारगेट द रिलीजन तो इट विल बी वेरी इजिली ये क्या हो ये डिवाइड हो सकते और शायद इनके बीच की जो यूनिटी वो भी खत्म हो जाए यूनिटी मीन्स जैसे कि सब लोग यूनाइट हो रहे थे ऑल द पीपल ओके तो एक यूनिटी उन्हें खत्म करना था सो लाइक दिस ये जो था ओके दिस वाज द रीजन ओके जो नेशनलिज्म प्रेजेंट किया था ये कुछ नॉट हाई पॉपुलेशन एडमिनिस्ट्रेशन की कोई बात नहीं है दे वॉन्ट टू जस्ट स्टॉप ऑल दिस थिंग्स जो यूनिटी जो हम वी आर फाइटिंग फॉर द कंट्री ये सब उन्हें रोकना था सो दिस वॉज द रीजन बाय द नेशनलिस्ट ओके टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट they have decided about the partition okay and even uh, the reason behind it okay according to lord curzon and even the nationalists they think little obviously different okay so we have studied till there and now we are going to see that when the people come to know that they have decided to uh, have the partition at that time what was the reaction of the people let's see here the partition angered the leaders of the Indian National Congress and resulted in a protest. So ओके okay, तो यहाँ प्रोटेस्ट यानी कि विरोध करना ओके okay? तो काफ़ी इंडियंस लोगों ने उनके विरोध किए बिकॉज ऑलरेडी वन दे केम टू नो कि ये सब इस तरीके से पार्टीशन कर रहे हैं तो पीपल दे गेट वेरी फ्रस्ट्रेटेड और उन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू किया एंड दिस प्रोटेस्ट वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट द ब्रिटिश वर फोर्स टू विदड्रॉ द पार्टीशन इन नाइनटीन इलेवन और ये जो प्रोटेस्ट चलता रहा काफ़ी यानी कि बहुत टाइम तक ये प्रोटेस्ट चलता रहा और ये इतना स्ट्रॉन्ग ये प्रोटेस्ट काफ़ी स्ट्रांग था फाइनली uh, ब्रिटिश को इन्हें जो पार्टीशन ऑफ बंगाल ये जो उन्होंने किए थे ये उनको फिर से लेना पड़ा इन्हें रोकना पड़ा फाइन वर फोर्स टू विदड्रॉ द पार्टीशन इन 1911 सो ऑलरेडी एज आई टोल्ड यू दैट ये पार्टीशन कब हुआ था इन ऑन सिक्सटीन अक्टूबर नाइनटीन में हुआ था और फिर से ये प्रोटेस्ट ये यानी कि इतने साल तक यहाँ पर ये प्रोटेस्ट विरोध करते रहे इंडियन के लोग फाइन एंड फाइनली ब्रिटिश ने ये कब फिर से लिया ये पार्टीशन बंगाल का पार्टीशन कब उन्होंने फिर से लिया ऑन 1911 को लिया सो लाइक दिस रिवोल्ट ऑन एक न्यू एक बिगिनिंग uh, स्टार्ट होती है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ये एक नया ओके ब्रिटिश ने एक न्यू पॉलिसी जैसे कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ओपन किया टू स्टॉप ऑल दैट यूनिटी एंड ऑल एंड फाइनली जो पार्टीशन ऑफ बंगाल का क्रिएशन ओके देव स्टार्ट बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी में एंड देर वर प्रोटेस्ट एंड आफ्टर दिस प्रोटेस्ट उन्होंने फिर से ब्रिटिश withdraw withdraw the partition of bengal in 1911 okay kids hope you understand the topic of partition of bengal thank you